ब्रह्मनाथ। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लास्ट क्लास ऑलरेडी वी डिस्कस्ड डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथम। डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथम दैट इज विद अ फंक्शन ऑफ द टाइप वेरिएबल टू बार वेरिएबल और विद अ फंक्शन कंटेन्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज मेनी प्रोडक्ट टर्म पावर एंड डिविजन। तो दैट केस वी यूज लॉगरिथम। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स ए फंक्शन मे और मे नॉट बी एक्सप्रेसिबल एज द फंक्शन ऑफ एक्स एलोन। द फंक्शन मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, a function may or may not be expressed as the function of function of x alone। आज अपन जहाँ सब पढ़ुले आम सब डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मीन्स y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ओनली, मीन्स y इज वन साइड एंड ऑल द x मीन्स x आर इन अदर साइड। y इज इक्वल x स्क्वायर, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इक्वल टू टी टू पावर फाइव साइन टी, एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट बर्तन कौन करिए हमें द फंक्शन मे आर मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स एलोन। तार्थ इटे हमें y डा को x रे एक्सप्रेस करिया बहुत डिफिकल्ट हेई पारे न ही पारे मंथे। जनरल फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इज general form of implicit function is f of x comma y is equal to 0, f of x comma y is equal to 0. Okay, example x square plus y square is equal to a square, this is an implicit function. So in this case y ko hum express kar beta cost in terms of x re, yadi y ko express kare in terms of x re y square is equal to a square minus x square, to y is equal to plus or minus square root of a square minus x square. So for each one value of x we have two y's, गोटे प्लस एंड आ गोटे कौन माइनस, तो दुईटा फंक्शन आम एक्सप्रेस कर तो आम कौन कह इम्प्लिसिट फंक्शन। सिमिलरली दिस इज आल्सो इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आल्सो इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इन दिस केस वाई मे नॉट बी एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ एक्स एलोन। ओके, नेक्स्ट फोर, एक्स टू पावर वाई प्लस वाई टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टांट, दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट फंक्शन। फाइव, ई टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय वाई, दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन यदि थी आम कमी डेरिवेटिव करवा। ओके, अच्छा तो देख कौन करिए,
If the function is implicit function, if the function is in implicit form, then how can we find the derivative of this type of function? If the function is in implicit form, then then we can find the derivative. We can find the derivative of such function using following steps. Step 1, if the function is in implicit form, then we can find the derivative of such function using the following steps. Step 1, write the given implicit function. Given implicit function. जहाँ दिया है इतनी सी फंक्शन को लिखते राइट द गिवन इंप्लिसिट फंक्शन. स्टेप टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज स्टेप टू. Differentiating both sides with respect to what? X. Next, step three gonna keeping all the terms containing dy dx are one side and those are independent of dy by dx are other side. Next, taking all the terms containing dy by dx are one side and and the terms those are independent of dy by dx are other side. This is step 3. Next, step 4 kon dekho, dy by dx is equal to the terms independent of dy by dx divided by coefficient of dy by dx. Again dekho dikhiye, step 1 kaun karibo, write the given implicit function. जो function दिया है जी तो लिख देला. Write the given implicit function. Step 2 का अंगला differentiating both side with respect to x. Next step 3 का अंगला differentiating सरला पोरे, taking the term which contains dy by dx are one side. जो जगह जो टर्म रे dy/dx अच्छी ताको वन साइड आन दबो.
एंड जो टर्म डीवाइडेक्स ना अर्थ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डीवाइडेक्स आर अदर साइड नेक्स्ट कौन कल डीवाइडेक्स टा कॉमन बाहर करदे लेफ्ट साइड रु तो डीवाइडेक्स कॉमन बाहर कला डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू द टर्म दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डीवाई डीएक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ डीवाई बाय डीएक्स तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट डीवाई बाय डीएक्स द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ डीवाई डीएक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ डीवाई बाय डीएक्स ओके अच्छा सम इंपोर्टेंट नोट्स आर देयर सम इंपोर्टेंट नोट्स वेरी यूजफुल इंपोर्टेंट नोट्स वन डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू पावर एन मंडी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू एन इज इक्वल टू एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाय डी एक्स टू d by dx of log y means 1 by y into dy by dx 3 d by dx of e to power y into dy by dx 4 d by dx of x to power m into y to power n so here y is a function of x तो एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एम एंड एन बोथ आर कांस्टेंट तो यूज प्रोडक्ट रूल दिस इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एम इंटू वाई टू पावर एन प्लस एक्स टू पावर एम इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू पावर एन तो इज इक्वल टू एम एक्स टू पावर एम माइनस वन बिकॉज एक्स एक्स इज देयर इंटू वाई टू पावर एन बट दिस इज एक्स टू पावर एम इंटू एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस वन डी वाई बाई dx dy by dx okay next 6 d by dx of root y means 1 by 2 root y into dy by dx 7 d by dx of 1 by y is equal to minus 1 by y square into dy by dx these are very, very important Suppose the d by dx of y square, that 2y into d by dx. d by dx of y cube, 3y square into dy by dx. So these are very important notes. So they are useful in solving the problems. Next, application of amplitude function. Question number one, find dy by dx. If x plus y to power m plus n is equal to x to power m into y to power n देखो ठीक है सॉल्यूशन देखो ठीक है x plus y whole to power m plus n is equal to x to power m into y to power n you may take also logarithm or you may not take logarithm कहें कि this is the variable to a constant the variable to a constant variable to a constant तो logarithm नले भी हबन नले भी हबन किन logarithm नले साद ठीक है इजी हो ठीक है सॉल्यूशन given x plus y whole to power m plus n is equal to x to power m into y to power n taking log on both side we get log of x plus y whole to power m plus n is equal to log of x to power m into y to power n.
but log of m to power n is equal to n log m. So this implies m plus n log x plus y equal log of m into n is equal to log x to power m plus log y to power n. Log of m into n equal log m plus log n. So implies m plus n log of x plus y is equal to, this is m ln x or m log x, ln means plus n log y. Differentiating both side with respect to x, we get m plus n is constant, m plus n into d by dx of log x plus y is equal to m into d by dx of log x, because m is constant, plus n is also constant, d by dx of log y. So implies m plus n, m plus n d by dx of log fx, d by dx of log fx means 1 by fx into derivative of fx. So 1 by x plus y into d by dx of x plus y. So is equal to, this is m by x, m is constant, d by dx of log x is x, 1 by x, plus n into, this is 1 by y into dy by dx, into dy by dx. So implies m plus n divided by x plus y, so d by dx of x plus d by dx of y, so d by dx of x is 1 plus dy by dx is equal to m by x plus n by y into dy by dx. So m plus n by x plus y को multiply कर individually, तो implies m plus n by x plus y plus m plus n by x plus y into dy by dx is equal to m by x plus n by y into dy by dx. There are four terms. Out of four terms, two terms containing dy by dx. This term and this term containing dy by dx. And these are independent of dy by dx. तो बर्तन आम कौन कर डीवाई डी एक्स आर वन सैड कौन करवा ना डीवाई डी एक्स कंटेन द टर्म डीवाई डी एक्स कौन डीवाई डी एक्स आर वन टाइम वन वन डीवाई डी एक्स आर वन टाइम वन वन साइड्स एंड एंड इंडिपेंडेंट डीवाई डी एक्स आर अदर साइड. तो दिस इंप्लाइज एम प्लस एन डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस माइनस एन बाय वाई होल इंटू डीवाई बाय डीएक्स. एट सब एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई माइनस एन बाय वाई इंटू डीवाई डीएक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई माइनस एम बाय एक्स. टिके एलसीएम बाहर कर दियो तो इम्प्लाइज एलसीएम बाहर कर ला पर कौन आसो एक्स प्लस वाई इंटू वाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई तो दिस इज एम वाई प्लस एन वाई एम वाई प्लस एन वाई माइनस nx minus ny into dy by dx is equal to, this is mx plus nx minus mx minus my divided by x plus y into x, x plus y into x. Again देखो ठीक है बोला बुझो my plus ny minus nx minus ny minus nx minus ny whole into dy dx divided by x plus y into y, okay, is equal to mx plus nx minus mx minus my divided by x plus y into x. तो x plus y को x plus y cancel कर दिया, इडी भी देखो ny को ny cancel और mx को mx cancel. पहले देखो ना हिला तो इम्प्लाइज एम वाई माइनस एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई एन एक्स माइनस एम वाई एन एक्स माइनस एम हाँ एन एक्स माइनस एम वाई. तो दिस इम्प्लाइज
dy by dx is equal to minus common कर दलो my minus nx divided by my minus nx तो cancel तो implies dy by dx is equal to minus 1 dy by dx is equal to minus 1 m plus n by x plus y plus m plus n by x plus y into dy by dx m by x plus n by y into dy by dx तो m plus n by x plus y divided by m plus n by x plus y divided by n by y divided by dx. So this is, sorry, tick something is wrong. This is minus because m by x minus this is the plus. Okay. So this one again. This is mx minus mx minus nx minus mx minus nx plus mx plus my divided by x plus y into x. So mx mx cancel. So this is my minus nx my minus nx my minus nx minus mx minus nx plus my mx mx cancel my minus nx divided by x plus y divided by x sorry this is y so y this is x so my minus nx cancel so this is y by x so dy by dx is equal to y by x this is the answer dy by dx is equal to y by x similarly we can solve another question next question find dy by dx if x to power y is equal to y to power x plus 10 verse cos x by 1 plus sin x this is also a long question this is short type questions x to power sin y is equal to y to power sin x तो फर्स्ट असला वन सॉल्यूशन गिवन एक्स टू पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर एक्स प्लस टैन इनवर्स कॉस एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स एक्स टू पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर एक्स प्लस टैन इनवर्स कॉस एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स तो यू मे टेक one is u another one is v another term is w you may take also this or another method u to power v is equal to e to power v ln u u to power v is equal to e to power v ln u again u to power v is equal to e to power v ln u ei formula pakai dio तो दिस इंप्लाइज e टू पावर y ln x इज इक्वल टू e टू पावर x ln y e टू पावर x ln y y टू पावर x इज इक्वल e टू पावर x ln y प्लस tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x ओके again u to power v is equal to e to power v ln u so x to power y equal to e to power y ln x y to x equal to e to x ln y how jaha tan inverse bracket cos x by 1 plus sin x differentiating both side with respect to x we get so d by dx of e to power y ln x is equal to d by dx of e to power x ln y plus d by dx of tan inverse cos x by 1 plus sin x okay so implies acha d by dx of e to power fx d by dx of e to power fx means e to power fx into derivative of fx. So
तो e टू पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर वाई एल एन एक्स इज इक्वल दिस आल्सो ये भी सेम e टू पावर एक्स एल एन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा तो दिस इज साइन 90 माइनस थीटा थीटा मीन्स एक्स सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ये भी 90 माइनस थीटा ओके cos theta is equal to sin 90 minus theta and sin theta is equal to 1 sin theta is equal to cos 90 minus theta acha implies e to power y ln x is equal to again x to power y e to power y ln x again again x to power y so this is x to power y this is x to power y into d by dx y ln x means this is u this is v y is u ln x is v so this is d product rule pagadava dy by dx into ln x plus y into d by dx of ln x is equal to e to power x ln y e to power x ln y means y to power x this is y to power x e to x ln y means y to power x into d by dx of x that is dx by x dx into ln y plus x into d by dx of ln y plus dy dx of tan inverse देखो sin theta कहले 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 तो देखो sin this is theta तो 2 sin थीटा बाय टू मीन्स पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा मीन्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू दिस इज थीटा बाय टू मीन्स पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ओके तो देखो तो टू को टू कैंसिल गोटे कॉस कैंसिल देखो गोटे कॉस कौन हम कैंसिल तो इम्प्लाइज एक्स टू पावर वाई इंटू दिस इज dy by dx ln x plus y by x this is y by x is equal to y to power x dx by dx is 1 dx by dx is 1 so this is ln y plus x d by dx ln y means 1 by y into dy by dx plus d by dx of tan inverse देखो साइन बाय कॉस मीन्स टेन टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू ओके मल्टीप्लाई एक्स टू पावर वाई इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दियो एक्स टू पावर वाई को मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली एक्स टू पावर वाई इंटू एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टू पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल ये मध्ये कौन करियो वाई टू एक्स भी मल्टीप्लाई कर इंडिविजुअली वाई टू पावर एक्स एल एन वाई प्लस y to power x into x by y into dy by dx plus dy dx of 10 inverse of 10x means x. So this is
पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू टेन ओवर को टेन कैंसल पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू नेक्स्ट कौन करवा ना डीवाई बाय डीएक्स कंटेनिंग कर सब जगह वन साइड आने दबा द टर्म्स कंटेनिंग डीवाई डीएक्स आर वन साइड एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ डीवाई डीएक्स आर अदर साइड तो ये है डीवाई डीएक्स टर्म ये भी डीवाई डीएक्स टर्म इधर को वन साइड आने दिया दिस इज एक्स टू पावर वाई एल एन एक्स इंटू डीवाई बाय डीएक्स एटा एपड़ आना अच्छा ये गोटे वाई कटे देख वाई टू पावर एक्स बाय वाई मीन्स वाई टू पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स इंटू वाई टू पावर एक्स माइनस वन गोटे वाई कैनसल है वाई टू पावर एक्स बाय वाई वाई टू पावर एक्स बाय वाई कहले वाई टू पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स इंटू डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू वाई टू पावर एक्स एल एन वाई ये देख यहाँ राइट साइड गला राइट साइड कौन हम माइनस हम तो ये देख वाई को वाई रहा एक्स टू पावर वाई बाय एक्स मीन्स एक्स टू पावर वाई माइनस वन अगेन यहाँ सब गले माइनस है ये गले माइनस है डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 इज कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 इज 0 बिकॉज पाई बाय 4 इज कांस्टेंट तो 0 प्लस 0 माइनस हाफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय 2 इज माइनस हाफ तो इंप्लाइज एक्स टू पावर वाई एक्स टू पावर वाई एल एन एक्स माइनस एक्स इंटू वाई टू पावर एक्स माइनस वन होल इंटू डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू वाई टू पावर एक्स एल एन वाई माइनस वाई इंटू एक्स टू पावर वाई माइनस वन माइनस हाफ तो देयरफॉर डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ डीवाई बाय डीएक्स टर्म्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ डीवाई बाय डीएक्स तो वाई टू पावर एक्स इंटू एल एन वाई माइनस वाई इंटू एक्स टू पावर वाई माइनस वन माइनस वन बाय टू होल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर वाई एल एन एक्स माइनस एक्स इंटू वाई टू पावर एक्स माइनस वन तो दिस इज डीवाई बाय डीएक्स दिस इज डीवाई बाय डीएक्स नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख एक्स टू पावर साइन वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर साइन एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स टू पावर साइन वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर साइन एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर गिवन एक्स टू पावर साइन वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर साइन एक्स वाई टू पावर साइन एक्स तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अच्छा ता पूर्वर जेहेतु पावर फंक्शन इज देयर वेरिएबल डर वेरिएबल असले नहीं कहिलो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग जेहेतु पावर फंक्शन अच्छी तो लॉग नहीं जीवा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट द लॉग ऑफ x टू पावर साइन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू पावर साइन x तो इंप्लाइज दिस इज साइन y लॉग x इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग वाई पावर आगे आसला खड़ी ना नहीं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग वाई तो यूज प्रोडक्ट रूल u into v formula put कर दिए थी तो implies d by dx of sin y into log x plus sin y into d by dx of log x is equal to d by dx of sin x into log y plus sin x into d by dx of log y okay तो इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई मीन्स कौन आसो कॉस वाई इंटू डीवाई बाय डीएक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई मीन्स कॉस वाई इंटू डीवाई बाय डीएक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन वाई डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मीन्स वन बाय एक्स
इज इक्वल टू डेरिवेटिव साइन एक्स मीन्स कॉस एक्स इंटू लॉग वाई प्लस साइन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई कहले 1 बाय वाई इंटू डी बाय डी एक्स दिस इज 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स नेक्स्ट कौन करवा ना टेकिंग डी वाई बाय डी एक्स टेकिंग द टर्म्स कंटेनिंग डी बाय डी एक्स आर वन साइड टेकिंग द टर्म कंटेन्स डी बाय डी एक्स दादा एटी डी बाय डी एक्स अच्छी एटी डी बाय डी एक्स अच्छी तो वन साइड आनी दियो एटा को एपुर गनले कोन हो माइनस हो तो इंप्लाइज कॉस वाई इंटू लॉग एक्स कॉस वाई इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स बाय वाई होल इंटू कौन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग वाई माइनस साइन वाई बाय एक्स देखो कॉस वाई कॉस एक्स वाई डा एक्स अच्छे एक्सटा वाई वाई डा एक्स देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग वाई माइनस साइन वाई बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस वाई इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स बाय वाई तो दिस इज द डी वाई बाय डी एक्स इफ द फंक्शन इज एक्स टू पावर साइन वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर साइन एक्स देन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू दिस यू मे टेक ऑल्सो एलसीएम तो दिस इज डेरिवेटिव एक्स टू साइन वाई इज इक्वल वाई टू पावर साइन एक्स तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू पावर 2n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू पावर 2n इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू पावर n माइनस वाई टू पावर n देन प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन dy by dx is equal to x to power n minus 1 by y to power n minus 1 into root 1 minus y to power 2n divided by 1 minus x to power 2n. Very important question. Again, if square root of 1 minus x to power 2n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू टू एन इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू बार एन माइनस वाई टू बार एन देन प्रूव दैट डी वाई डी एस इक्वल टू एक्स टू बार एन माइनस वन डिवाइड बाय वाई टू एन माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू टू एन 1 माइनस वाई टू टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स टू पावर टू एन तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इटे हमें ये कौन करिए सब्स्टिट्यूट करिए गिवन दैट Given that square root of 1 minus x to power 2n plus square root of 1 minus y to power 2n is equal to k into x to power n minus y to power n. देखो प्रूव कराओ जी तो प्रूव जा गोटे बेरे ही करिबो मनीषा कर दले तो नो प्रूव हवाड़ा बहुत कष्ट तो सिरा पई जो बेरे कराओ जी तो बोला प्रैक्टिस करी बारंबार प्रैक्टिस करले ही मन रहिबो तो ये सब्स्टिट्यूशन करिया बहुत इजी हम जब सब्स्टिट्यूट न करे आम पाई कॉम्प्लिकेटेड हम तो सी कौन करा सब्स्टिट्यूट करा टे मन अच्छी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स जगह आम नौ ए साइन थीटा तो हियर ए इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर मीन एक्स टू पर एन र स्क्वायर तो एक्स टू पर एन कौन ना साइन अल्फा वाई टू एन कौन ना साइन बीटा पुट एक्स टू पर एन इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड वाई टू पर एन इज इक्वल टू साइन बीटा तो इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू पावर एन बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई टू पावर एन तो दिस इम्प्लाइज एटी पुट कर दियो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू पावर एन रे स्क्वायर तो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बोथ साइन नबो नले बोथ कॉस नबो एक्स टू एन इक्वल साइन अल्फा वाई टू एन इक्वल साइन बीटा और यू मे टेक ऑल्सो एक्स टू एन इक्वल कॉस अल्फा वाई टू एन इक्वल कॉस बीटा बट गोटे को साइन गोटे को कॉस नबनी बोथ आर साइन और बोथ आर कॉस इज इक्वल टू के इनटू दिस इज साइन अल्फा माइनस साइन बीटा
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज कॉस अल्फा, तो दिस इज कॉस अल्फा प्लस दिस इज कॉस बीटा इज इक्वल टू के इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू के इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यूज कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस ऑल्सो साइन सी माइनस साइन डी। तो यूज कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी मीन्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू इज इक्वल टू के इंटू साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी मीन्स टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। तो टू को टू कटला, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू भी कैंसिल हो जाएगी, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू कैंसिल, और अगला कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल टू के। तो कॉस बाय साइन इज कॉट, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल टू के। ओके, तो इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स के, के इज कांस्टेंट। तो इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स के। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज साइन इनवर्स एक्स टू पावर एन, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स टू पावर एन माइनस बीटा इज साइन इनवर्स वाई टू पावर एन, तो दिस इज साइन इनवर्स वाई टू पावर एन इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स के। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू पावर एन माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई टू पावर एन इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ टू कॉट इनवर्स के। अच्छा, इम्प्लाइज साइन इनवर्स एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स मीन्स वन बाय रूट वन माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। तो वन बाय रूट वन माइनस एक्स टू पावर एन होल स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये भी सही है, वन बाय रूट वन माइनस वाई टू पावर एन होल स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू पावर एन इज इक्वल राइट साइड टू जीरो बिकॉज टू कॉट इनवर्स के, के इज कॉन्स्टेंट, तो कॉट इनवर्स के इज कॉन्स्टेंट, तो राइट साइड डेरिवेटिव जीरो आसीगला है ना ही। तो ठीक अच्छी, तो इम्प्लाइज वन बाय रूट वन माइनस एक्स टू पावर टू एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन मीन्स एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन माइनस, तो ये भी वन बाई रूट वन माइनस वाई टू पावर टू एन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू पावर एन, नोट का है जी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड जीरो। तो इम्प्लाइज तो एन इंटू वाई टू पावर एन माइनस वन बाय रूट वन माइनस वाई टू पावर टू एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस माइनस एन इंटू एक्स टू एन माइनस वन डिवाइड बाय रूट वन माइनस एक्स टू पावर टू एन, तो माइनस माइनस प्लस एन एन कैंसिल, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स मीन्स कौन कर देखो ये चल रहा है ऊपर को ये आसो तलू, तो एक्स टू पावर एन माइनस वन बाय वाई टू पावर एन माइनस वन, एक्स टू एन माइनस वन बाय वाई टू एन माइनस वन इंटू रूट वन माइनस एक्स टू पावर टू एन बाय वन माइनस वाई टू पावर टू एन, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो माइंड इट, इफ एन इज इक्वल टू वन द क्वेश्चन विल बी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, यदि एंड वन हम सो एंड टू हम एन अदर क्वेश्चन,
If n is 2, the question will be square root of 1 minus x 4th plus square root of 1 minus y 4th is equal to k into x square minus y square. Then prove that dy by dx is equal to x by y. N is 2 na? X by y into square root of 1 minus y 4th by 1 minus x 4th. If n is 3, the question will be 1 minus x to power 6 plus 1 minus y to power 6 is equal to k into x cube minus y cube. Then prove that dy by dx is equal to x square by y square into square root of 1 minus y 6th divided by 1 minus x 6th. So depend korchi n ra value upare. Okay. Next class we shall do other problems of implicit function and also derivative of infinite series. Okay.